उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मोहल्ले के वासी दिन रात चौकीदारी करने को मजबूर है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आवारा कुत्तों के हमले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और एक पागल कुत्ते ने तो एक ही घंटे में 17 लोगों को काट कर अपना शिकार बना दिया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगर निगम भी हमारी नहीं सुन रहा। वहीं जिला अस्पताल और BRD मेडिकल कॉलेज के जब वैक्सीन लगवाने गए तो वहां भी वैक्सीन नहीं मिली, जिसकी वजह से मजबूरन लोगों को बाहर से वैक्सीन लगवानी पड़ी। अब खुद की और बच्चों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी करने पर लोग बहुत मजबूर हैं। कुत्तों के आतंक से लोग बेहद सहमे हुए हैं। ये पूरी घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है, जहां आवारा कुत्तों के आतंक से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि मोहल्ले वासियों का कहना है कि एक पागल कुत्ते द्वारा आए घंटे में 17 लोगों को अपना शिकार बना लिया गया। अब तक कई लोगों ने इस कुत्ते को हमले से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। इन आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर है कि हम लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी कई घटनाएं CCTV कैमरे में भी कैद हुई, जिसमें दिखा कि कुत्ते लगातार लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में निराशा है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, इसके बावजूद भी इसमें कुत्तों की वजह से जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक चीज़ है। उस पर ये आलम है कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए भी जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि वहाँ वैक्सीन ही नहीं है। हमें BRD मेडिकल कॉलेज भेजा गया और वहाँ पता किया गया तो वैक्सीन मिलेगी, लेकिन वहाँ भी निराश हाथ लगी और वहाँ पर भी हमें कोई वैक्सीन नहीं मिली। ऐसा ही कहना था कुछ लोगों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं था, लोगों ने अपने आप ही वैक्सीन लगवा ली। अब आइए सुनवाते हैं आपको स्थिति खुद स्थानीय लोगों से। प्रथम दिन जो कराए अपना नगर निगम का क्या रवैया है? नगर निगम के रवैया एकदम सही नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मेयर साहब को टोटल दोष दूंगा, क्योंकि मैंने मेयर साहब को स्वयं मैंने यहाँ का वीडियो भेजा हूँ और मैसेज भी दिया हूँ, वॉइस मैसेज भी दिया हूँ। उन्होंने लिख कर केवल भेजा कि दिखवाता हूँ सर। मैंने कहा कि सर दिखवाने से नहीं चलेगा, यहाँ पर आप काम कीजिए, हकीकत में देखिए क्या स्थिति है। यहाँ तक कि नगर आयुक्त साहब को भी मैंने मैसेज दिया। अभी हो जाएगा, दर्द हो रहा है। दर्द अभी सही हो जाएगा। मोहल्ले के रहने वाले का कहना है कि कुत्तों के हमले ने मोहल्ले वालों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये किसी पर भी हमलावर हो जाते हैं। अब तक दर्जनों लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं जिसकी वजह से लोग सहमे हुए रहते हैं, खासकर बच्चे जिनका स्कूल जाना भी दूभर हो गया है। कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और आलम यह है कि आवारा कुत्तों के आतंक से लोग घरों में कैद हैं और नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद अब तक कार्यवाही नहीं हुई। ये बेहद शर्मनाक चीज़ है। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां? आइए आपको सुनवाते हैं खुद गोरखपुर के ऊपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा से कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। नहीं देखिए, इसके बारे में हम लोग निरंतर रूप से जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं कि जिसके पास अपने व्यक्तिगत इस तरीके के पेट्स लोगों ने रखा है उसका जो है टाइमली जो है जो टाइम इंटरवल है उस पर उनका वैक्सीनेशन कराते रहें, और जो इस तरीके के मोहल्लों में रहने वाले उनके लिए हम लोगों ने अभी आपकी भी जानकारी में होगा कि हम लोगों ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एक बना रहे हैं। वो अब लास्ट स्टेज में ही है और उसके लिए हमने फर्म एजेंसी का भी चयन करने के लिए टेंडर किया हुआ है। टेंडर अब एक आध दो दिन में ही वो खुलने वाला है। वो जैसे ही खुल जाएगा हमारे पास एक फर्म होगी कि इस तरीके के जो भी डॉग्स हैं उनको जो है हम लोग ABCC पर ले करके आएंगे और उनका बंध्याकरण करेंगे और फिर जो उनका यूजुअल प्लेस है वहाँ पर हम लोग। कहते हैं कि हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जब वैक्सीन अस्पताल गए तो वहाँ पता चला तो वैक्सीन ही नहीं है, एक दो लोगों को ही वैक्सीन लग पाई, बाकी लोगों को कह दिया गया कि मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहाँ भरपूर मात्रा में वैक्सीन मिल जाएंगी। लेकिन जब लोग BRD मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो वहाँ स्थिति जस से ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ भी वैक्सीन नहीं मिली। मजबूरन लोगों को बाहर से वैक्सीन लगवानी पड़ी। सभी लोग काफ़ी खौफ में हैं, खासकर छोटे बच्चे जो आवारा कुत्ते इस कदर लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। चाहे सुबह हो, दिन हो या रात को घर से निकलना लोगों का बिल्कुल दूभर हो गया है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों का, जो स्कूल भी मुश्किल से ही जा पा रहे हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।